रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैर खरीयत से होंगे। तो आजकल जो मार्केट में काफ़ी डिमांड है वो है जी एयर कूलर की। तो सो आज हम जिसका रिव्यू करेंगे वो भी हमारे पास एयर कूलर होगा। और आपको बताता चलूँ, काफ़ी कमेंट आते हैं कि काइंडली जो आपकी एड्रेस है वो मैंशन कर दें, और जो हमारी शॉप का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन पर जाके वहाँ आपको है एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो चलें, आज जिस ब्रांड का हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान का नंबर वन ब्रांड है। अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो जो हमारे पास ब्रांड होगा वो होगा सुपर एशिया का। ये देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने वो कूलर आ चुका है। तो ये काफ़ी अच्छी इसकी लुक है, स्क्वायर जो है उस शेप में दिया गया है, टैंक कैपेसिटी बेहतरीन है और आइस बॉक्स के साथ है। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं जी इसका रिव्यू। सबसे पहले जी इसकी प्रॉपर लुक है वो आपको दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ में है, जब्बू साइज़ आप इसे कह सकते हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ में। अगर आपका रूम साइज़ बड़ा है तो आपको फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो बड़ा रूम है उसके लिए आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो चलिए आए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके पैनल की तरफ। जो पैनल हमारे पास है वो है जी ब्लैक पेपर के साथ दिया गया है, काफ़ी अच्छी इसकी लुक है। अगर ब्रांडिंग की बात की जाए तो जो हमारे पास ब्रांड था वो था सुपर एशिया का। और मॉडल की बात की जाए तो जो हमारे पास मॉडल है वो है जी ECM 5500 5500+ इसका मॉडल है, जो कि आइस बॉक्स के साथ है, जैसे कि जेट कूल जो है इसमें मैंशन भी किया गया है। और अब आती है जी जो मेन चीज़ है वो है जी इसकी प्राइस। अगर प्राइस कास्ट बताता चलूँ, जो हमारे पास प्राइस होती है वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होती है, जो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी नहीं मिलने वाली। और इंशाल्लाह जो हमारी प्राइस होती है वो कम नहीं प्राइस होगी। और अगर इसकी प्राइस कास्ट की बात की जाए तो जो हमारे पास इसकी प्राइस है ये आपको मिलेगा 28,000 का। जी हाँ जी, ये आपको मिलेगा 28,000 का, इतना लार्ज कूलर सुपर एशिया का, वो भी बड़े साइज़ में। और चलते हैं जी इसके पैनल की तरफ। तो पैनल की तरफ आप देख सकते हैं ये तीन बटन यहाँ दिए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इनका जो फंक्शन है वो देख लेते हैं। यहाँ क्या है जी, सबसे पहले आपको ये शो हो रही रेड लाइट जो है वो शो हो रही होगी। तो काफ़ी कमेंट आते हैं कि काइंडली जो आप ये वीडियो बनाएं उसकी जो कूलर की एयर होती है उसे ऑन करके जो है ऑपरेट करके वो भी हमें दिखाया करें। तो सो आज आपको जो इसकी जो एयर थ्रो होगी वो भी आपको चेक कराऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है जी वो बटन कूल का है। फिलहाल इसमें जो है टैंक में पानी नहीं है, फिलहाल हम इसे ऑन नहीं करेंगे। और जो सेकंड बटन दिया गया है जी वो इसका आ गया जी फैन स्पीड का, जैसे कि देख सकते हैं दो मोड दिए गए हैं, हाई एंड लो, दो ऑप्शन के साथ आपको दिया गया है। और थर्ड जो बटन है वो इसका मूविंग का है। तो चलिए सबसे पहले इसकी जो मूविंग है वो आपको चेक कर लेते हैं। तो ये इसकी जो वाटर मूविंग है वो ऑन हो चुकी है। ये बटन था सेकंड वाला, तो ये हमारे आगे इसकी स्पीड का आ गया। सबसे पहले हम इसे लो पे ऑपरेट करते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका थ्रो, ये था इसका लो मूड। अब इसे जो है हाई पे ऑपरेट कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी हाई स्पीड है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी थ्रो है, काफ़ी फास्ट जो इसका फ़ैन है वो आपका चल रहा है, जो आपको तेज़ हवा जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। तो काफ़ी अच्छी इसकी थ्रो है। तो शायद तो इसकी जो स्पीड थी वो हम लो पे भी ऑपरेट की है और हाई पे भी ऑपरेट की है, तो काफ़ी अच्छी इसका जो है स्पीड है, फ़ैन स्पीड है वो बेहतरीन है। अब चलते हैं जी इसके आइस बॉक्स की तरफ। तो आइस बॉक्स जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो जो हमारे पास इसका आइस बॉक्स है वो इसमें है जी 6 बोतल के साथ है, जिसे आप फ्रीज़ करके जो है वो आप फ्रीज़ करके इसे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इसकी कूलिंग है वो आपकी काफ़ी अच्छी कूल ठंडी हवा जो है आपको मिलती है। और ये हमारे पास यहाँ वारंटी कार्ड आ गया है। तो वारंटी कार्ड जैसे कि आपको बताया सुपर एशिया की तमाम मॉडल्स में जो हमें वारंटी देखने को मिलती है वो आपको मिलती है 1 ईयर की, जो कि आप पूरे पाकिस्तान में इजीली क्लेम कर सकते हैं। और अब आ गई जी इसकी कंजप्शन की बात। अगर इसके मोटर वाट की बात की जाए तो ये इसकी जो मोटर इसकी जो वाटेज है वो है 332 वाट है, जो आपका इलेक्ट्रिक कंज्यूम करेगा। अगर इसके वाटर टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा। तो ये हमारे पास आ गई है, इसकी 6 बोतल आ गई हैं। इसका जो यूज़ का तरीका है वो आपको वो भी मैंने बता दिया। जैसे सबसे पहले हमने जो इसका कूल का बटन है वो ऑन कर लेना है, और जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो जो हमारा टैंक में वाटर होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा, आइस बॉक्स में आ जाएगा, और यहाँ से आपका फ्लो होकर साइड जो हमारे पैड्स होते हैं यहाँ जाता है, जिसकी वजह से जो आपको ठंडी हवा जो है वो देखने को मिलती है।
तो ये हमारे पास आ गया आइस बॉक्स। अगर फ्रंट की बात की जाए तो ये देख सकते हैं इसका जो फ़ैन है 5 ब्लेड के साथ है और काफ़ी बड़े साइज़ का जो है वो फ़ैन देखने को मिलता है। और फ्रंट वाली जो ग्रिल है ये इसे 2 फ्रेम के साथ है जिसे आप अप एंड डाउन जो है वो आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं जी 2 लेयर में इसकी जो है वो फ्रेम दी गई है जिसे आप अप एंड डाउन जहाँ भी आप इसे एडजस्ट करना चाहें तो आप इसे कर सकते हैं। और जैसे कि जो हमारा इसका साइड बाई साइड जो आपका मूविंग थी वो आपकी ऑटो थी, इलेक्ट्रिक थी, जैसे हम इसे ऑन करते हैं जो हमारी अंदर वाली ग्रिल है वो आपकी राइट टू जो लेफ्ट है वहाँ से आपकी मूव होगी। अब चलते हैं जिसके टैंक की तरफ, तो टैंक की तरफ चलते हैं तो ब्लैक कलर का जो है वो इसमें टैंक दिए गए। और ये हमें वाटर इंडिकेटर आ गया, वाटर लेवल आ गया, जो आपको वाटर लेवल होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर वाटर टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो इसमें जो वाटर टैंक की कैपेसिटी दी गई है वो है जी आपकी 16 लीटर की, 60 लीटर की जो कैपेसिटी है उसमें दिए गए। और ये मैक्सिमम 8 to 10 आवर जो है वो आप इजीली इसे जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं फिल करके। अब चलते हैं जैसे कूलर को बाहर निकाल लेते हैं और साइड जो है उसके पैड्स हैं वो चेक करते हैं। तो ये देख सकते हैं इसके साइड पे जो पैड जो है वो 3 लेयर में दिए गए, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी में जो साइज़ में जो है वो इसके जो इसके पैड्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और इसी तरह अगर बैग की तरफ चलते हैं तो बैग की तरफ की अगर बात की जाए तो जो हमारे बैग पैड्स हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ में दिए गए, 1, 2, 3, 4 लेयर के साथ दिए गए हैं। और यहाँ हमें जो है जी वाटर इनलेट जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलते हैं जिसे आप पाइप कनेक्ट करके जो इसका वाटर टैंक है वो आप फिल कर सकते हैं। और यहाँ ये भी आपको दिया गया अगर पाइप जो है वो आप यहाँ इन करके यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं जी वाटर जो टैंक है वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने टैंक को ड्रेन करना है या वॉश के लिए तो वो ड्रेन जो है वो आप देख सकते हैं ये दिया गया आपको, नोब दी गई है, जैसे हम इसे ओपन करेंगे जो आपका ड्रेन है वो आपका यहाँ से वाटर जो है वो आपका ड्रेन हो जाएगा। और अगर आप वाटर इसका जो टैंक है वो आप यहाँ से भी जो है वो आप फिल कर सकते हैं, ये साइड बाई साइड यहाँ से आप वाटर जो है पानी डालेंगे तो ये जो हमारा पानी होगा वो आपका टैंक में ही जाएगा। अब चलते हैं जी इस तरफ, तो इस तरफ जो इसकी पैड्स हैं वो बेहतरीन जो इसके अपोजिट साइज़ था उसी कैपेसिटी में आपको दिए गए, सेम साइज़ का जो पैड है वो आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, ब्लैक एंड वाइट कलर में दिया गया है और बेहतरीन की परफॉर्मेंस है। कस्टमर की तरफ से इनका जो फीडबैक है वो बेहतरीन है और बेफिक्र होकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और आपको बताते हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल होने वाले ब्रांड है वो आपका सुपर एशिया ही है। और इसी तरह जो इसके पास कूलर लगे हैं और इनकी जो प्राइस है वो भी आपको मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमारे पास है इसका सुपर एशिया का मॉडल है वो है जी 4600 प्लस है, जैसे कि आपको मैंने पहली वाली वीडियो में आपको इसकी प्राइस दी वो आपको बताई थी। इसकी जो प्राइस कास्ट है ये आपको मिलेगा 24,000 का जो कि मीडियम साइज़ के साथ है, जैसे कि ये हमारे पास था 5,500, इसकी जो प्राइस थी वो मैंने आपको बताई थी ये आपको मिलेगा 28,000 का, जिसका आज हमने रिव्यू भी किया है। और इसी के साथ जो हमारे पास सेकंड ब्रांड है वो है जी नेस गैस का, जो कि आप देख सकते हैं 9800 इसका मॉडल है और इसकी प्राइस कास्ट की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा 22,500 का नेस गैस का। और इसी के साथ ये हमारा बेहतरीन जो ब्रांड है वो है जी मैट का, इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका भी रिव्यू करेंगे। अगर इसकी प्राइस कास्ट की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा 23,000 का। और साथ ही हमारा बॉस का है जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसका हमने कल रिव्यू भी किया था और इसकी प्राइस कास्ट जो है वो आपको मिलेगा 28,500 का। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।